हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ फिलहाल यहां पर कनेक्टेड हैं, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बता दीजिए दैट द वॉइस इज ओके एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू. मेरा नाम है वर्षा और आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एग्रीकल्चर अंडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके अपने फिशरी की क्लास में. आई एम लिटिल बिट late today guys, I'm really sorry for that. Actually थोड़ा कैमरा वर्क नहीं कर रहा था. आई हैव मतलब तुम लोग सोचोगे कि यार मैम का एक्सक्यूज रेडी रहता है, बट पता नहीं कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसा हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया. सो वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल. कैसे हैं गाइज आप सभी स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? वेरी गुड मॉर्निंग भावना, आस्था, अजय, अमित. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबसे पहले तो जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं, आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए सो दैट योर फ्रेंड्स कैन आल्सो कम एंड अटेंड द सेशन, राइट? और इसी के साथ साथ गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स ने फिलहाल हाल ही में 29 जनवरी को अपना IBPS CFO का मेन्स एग्जाम दिया है, उन सभी स्टूडेंट्स को पता भी लग गया होगा कि फिशरी सब्जेक्ट ने काफी तोड़फोड़ मचाई है. काफी सारे क्वेश्चंस आपको फिशरी वाले पोर्शन से भी आपके एग्जाम में देखने को, राइट? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं गाइस. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फिलहाल यहां पर कनेक्टेड है, प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बता दीजिए दैट एवरीथिंग इज ओके. एंड साथ साथ में द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू आर चैनल, जो मुझे कमेंट करके लिखते हैं मैम आई एम अ न्यू स्टूडेंट, फिर से रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देंगे सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द क्लासेस ऑन टाइम एंड यू कैन बी इन द क्लास एट द टाइम इट विल बी लाइव, ताकि ये हो जाए कि आप रूबरू हो, मतलब एकदम वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सके. ओके, एंड यू हैव टू इंस्टॉल आवर मोबाइल ऐप दैट इज अडर 24/7. अगर आपके पास ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल होगा, द वन थिंग दैट यू विल गेट इज ऑन द डेली बेसिस आपके पास कुछ टारगेट्स होंगे, और जब आपके पास डेली बेसिस पे छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं ना अचीव करने के लिए, तो आपकी जो मेहनत है वो और ज्यादा निखर के आगे. लेट्स से मेरे पास रात को ही लिखा टाइम था कि नबार्ड ग्रेड ए की क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो आई हैव टू वर्क ऑन इट स्टडी प्लान था. FCI AG3 के बैचेस हैं, उनका स्टडी प्लान अपडेट करना है. IBPS AFO का फाउंडेशन बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th February, उसको लेकर वर्क करना है. तो जब आपके पास छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं ना रात को भी सुबह करने के लिए, तो आपको मॉर्निंग में उठ के ये नहीं सोचना पड़ता कि आज मुझे क्या करना है, राइट? उसी तरह से अगर आपके पास मोबाइल ऐप इंस्टॉल्ड होगी, नोटिफिकेशन होगा, तो मॉर्निंग में उठते फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा, भैया तुमने कल का मॉक टेस्ट दिया था, उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है, या फिर आज तो तुम मॉक टेस्ट दे लो ताकि प्रिपरेशन को एक बार आंकलन कर सको कि तुम कहाँ पर हो अभी फिलहाल. ठीक है, सिंपल भाषा में बोल देते कि तुम्हारी औकात क्या है, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है इस चीज को, तो ये हमें रियलाइज होता रहता है. ठीक है, तो सब क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग. जितने स्टूडेंट्स हैं सबके सब लाइक भी कर दीजिए क्लास को. एंड गाइस, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था एक कि मैम फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें. कल एक छोटा सा सेशन था मामूली सा, उसमें मैंने बताया था कि फॉरेस्ट्री का कौन सा पोर्शन इंक्लूडेड होता है, उसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट को प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, इसी के साथ आज की बातें भी आप ध्यान रखेंगे जो भी बताई है. चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लो. बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, फिर बाद में भूले भटके कहीं पर नोटिफिकेशन आ जाता है मोबाइल पे, फिर दोबारा से क्लास में टपकते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम ये तो नहीं कराया. अरे भैया कराया होता है, अगर तुम रेगुलर क्लास में आते तो तुमको पता होता ना. तो प्लीज क्लास रेगुलरली अटेंड कीजिए. हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर 24/7, एंड दिस इज द बैच जिसके बारे में मैं बात कर रही थी जो 14th February से स्टार्ट हो रहा है गाइस. तो आप इस बैच को जरूर से एनरोल कर लीजिए अगर आप 2023 में IBPS AFO का एग्जाम लिखने का सोच रहे हो, अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो. और इस बैच पर अभी फिलहाल लाइव है डबल वैलिडिटी Y344A कोड अप्लाई करके. ओके, एंड लेट अस डिस्कस. अभी थोड़ा सा थियोरी करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर एंड में फिर से थोड़ा सा थियोरी करेंगे. तो आज का मेरा ये पैटर्न होगा. तो हम बोलते हैं कैटाड्रोमस फिशेज है, एनाड्रोमस फिशेज है, एम्फीड्रोमस है, पोटामोड्रोमस है, ओशिनोड्रोमस है, क्या है ये भला, व्हाट इज दिस?
तो गाइस जिस तरह से हमारा एक जैसे हम डेंटिशन बोल देते हैं दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ योर टीथ इन योर सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है, आपके जबड़े में किस तरह से आपके दांत अरेंज, ओडोंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टीथ, उसी तरह से डायाड्रोमी भी एक वर्ड है जस्ट टू डिफाइन कि फिशेस जो माइग्रेट करती हैं, ठीक है, फिशेस जो माइग्रेट करती हैं दैट कम्स अंडर अ ट्रिक दैट्स कम अंडर अ टर्म डायाड्रोमी, उसको हम डायाड्रोमी कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हम मतलब जैसे रेफ्यूजीज बोल देते हैं हम, ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, जैसे हम सोल्जर्स बोल देते हैं, ठीक है, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे, जैसे हम आर्मी बोल देते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हम स्कूल बोलते हैं दैट इज अ ग्रुप ऑफ फिशेस, ठीक है, फिशेस के ग्रुप को हम स्कूल बोलते हैं। तो इसी तरह से डायड्रोम इज ऑल्सो अ वर्ड विच डिफाइन कि रनिंग यानी कि फिशेस का माइग्रेट होना सोल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से सोल्ट वाटर में, दैट इज डिफाइंड अंडर अ टर्म दैट इज डायड्रोमी, ठीक है। स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं अमित, ठीक है, आज मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस, आप लोग के इन्हीं कमेंट्स को जानने के लिए कि व्हाट यू रियली वांट, आज मैंने कुछ थियोरी और कुछ क्वेश्चंस रखे हैं बेसिक वाले, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कशन करेंगे एंड बैचेस में भी आपका बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टर्म जो आपने जानी है दैट इज डायाड्रोमी विच मीन्स टू से माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर और वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा यानी कि रिवर्स के लिए भी आप यही टर्म यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो तरह का हम जनरली यहाँ पर बता रही हूँ, उसके अलावा यू हैव थ्री और फोर मोर टाइप्स ऑफ डायाड्रोमी। सो पहले हम कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस को याद करते हैं। आई हैड मेक अ ट्रिक फॉर यू गाइस अबाउट इट, वॉइस लो है, अपने मोबाइल का वॉल्यूम रेस कर लीजिए क्योंकि मेरे एंड से तो वॉइस ओके है गाइस, फिर भी मैं एक बार चेक करती हूँ आपके कहने पर। वॉइस इज ओके, ठीक है, तो हे वी कैन सी ये कैटाड्रोमस को लर्न करने का ट्रिक एंड दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैटाड्रोमस वर्ड जो है इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया आपको, कैटाड्रोमस हम वर्ड बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर द मेन ग्रीन हाउस पॉल्यूटेंट्स जो आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, दैट C is for catadromous, F is for fresh water, C is for sea, ठीक है। तो catadromous fishes वो होती हैं जो fresh water से sea water में migrate करती हैं, ठीक है। So it come from a word cat, जिसका मतलब है down, तो fish runs down, migrate to ocean to spawn, तो ये क्या करती हैं, fishes नीचे की तरफ जाती हैं fresh water से सी वाटर में एंड वहां पर ये अपना स्पॉन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉनिंग, स्पॉनिंग इज एग लेइंग। सो गाइस स्पॉनिंग इज अ कॉमन टर्म फॉर द मेल एंड द फीमेल फिशेस, स्पॉनिंग एक कॉमन टर्म है जो मेल फिशेस जो अपना स्पर्म रिलीज कर रही हैं और जो फीमेल फिशेस जो एग ले कर रही हैं, दोनों के लिए हम इसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं स्पॉनिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर टूडेज लेक्चर, ओके। तो मैंने अभी तक आपको मतलब बहुत बेसिक बारीकी से चीजें बता रही हूँ, ठीक है। एनाड्रोमस को लर्न करने का ट्रिक है ए सी एफ। तो जब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की, तो एक बहुत ही डेजिग्नेटेड और रेप्यूटेड पोस्ट है दैट इज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। जैसे हम AFO की तैयारी करते हैं ऐसे ही असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की भी तैयारी करते हैं। तो एनाड्रोमस को लर्न करने का तरीका है, एनाड्रोमस फिशेस वो होती हैं जो सी, यहाँ पे सी का मतलब सी है समुद्र है, जो समुद्र से ताजे जल की तरफ फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करती है फॉर व्हाट पर्पस, आपका ब्रीडिंग और स्पॉनिंग पर्पसेस के, ठीक है। वॉइस यार कैसे लो हो सकती है, मैंने चेक करा, वॉइस इज ओके फ्रॉम माय एंड, ठीक है, एक बार तुम अपने एंड पर देखो,
ठीक है। तो गाइस तो अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने इसके इसके लिए हाँ मैंने इसके लिए पूछा है अभी, लेट मी नो कि वॉइस सच में लो है या फिर आपका मतलब कोई दिक्कत ऐसे आपको लग रहा है। ठीक है, तो कैटेक्ट्रोमस फिशेस को हम डिफाइन कर चुके हैं, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, ये ज्यादातर अपना फ्रेश वाटर में रहती हैं, बट जब भी इनको ब्रीड करना होता है, अपना एग ले करना होता है, तो ये आपका सी वाटर में माइग्रेट कर जाती है, और व्हेन दे हैड लेड द एग दे कम बैक देयर फ्रेश वाटर, से फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। ठीक है, एनाड्रोमस फिशेस ये वो फिशेस होते हैं जो जनरली आपका सी वाटर में रहती हैं, बट जब इनको एग ले करना होता है तो ये फ्रेश वाटर में जाती हैं। फ्रेश वाटर फिश, ये फ्रेश वाटर में न्यू फिशेस को अपना बोर्न करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ये अपना सोल्ट वाटर में ही स्पेंड करती हैं, एंड रिटर्न टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन सच एज सैल्मन, और कुछ आपके जो स्टर्जियोन फिशेज है वो सब आपकी कैसे फिशेज की कैटेगरी में आती हैं, आपकी एनाड्रोमस फिशेज की कैटेगरी में आती है। अब इनके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एनाड्रोमस फिशेस में आप सैल्मोन की बात करेंगे, ट्रॉट्स की बात करेंगे, लैम्फ्रेस की बात करेंगे, कैटाड्रोमस में ईल हो गया, मुल्लेट्स हो गया, व्हाइट बेट्स हो गया, फ्लॉन्डर्स हो गया। तो व्हाट आर दे? दे आर द कैटाड्रोमस फिशेस। इसके अलावा एम्फीड्रोमस फिशेस, एम्फी का मतलब हमेशा डुअल होता है गाइस, और एम्फी वर्ड का इस्तेमाल हम काफी बार करते हैं। ठीक है, एम्फी टेरिकॉक्साइड्स, एम्फीबियंस, और आपका एम्फीपैथिक बोल देते हैं, एम्फीड्रोमस बोल देते हैं इन द टर्म्स ऑफ फिशेस। तो गाइस ये कुछ टर्म है जो हम रिपीटेडली यूज करते हैं इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ। मैं इस टर्म को इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ, और आज इतना हम बिल्कुल बेसिक से आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं, जस्ट टू टेल यू दैट कि हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर है, हमने उस तरह का क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करा है, तब भी हम अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल के क्लियरेंस की वजह से। ठीक है, तो एम्फीड्रोमस फिशेस में आप बुलीज की और व्हाइट बेट्स की बात करते हैं, इनका जो माइग्रेशन रेगुलरली होता है एट सम अदर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल बट नॉट ओनली फॉर द, तो मतलब ये अपना मौज मस्ती के लिए, अपने लाइफ में कुछ फन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी में माइग्रेट करते रहते हैं, एक ही उद्देश्य नहीं होते एक्टिव करते जाने का, राइट। एम्फी मतलब दोगले, जो होते हैं ना दोगले लोग होते हैं, उसी तरह से दोगली मछलियां होती हैं जो अपना लाइफ में थोड़ा मतलब एस्केप चेंज के लिए, ठीक है, फॉर द चेंज ऑफ देयर लाइफ वो माइग्रेट करते रहते हैं एक वाटर बॉडी से दूसरे वाटर बॉडी, राइट ठीक है। तो अभी मैंने बोल दिया है टेक्निकल टीम को, अमित की वॉइस का कुछ इशू है तो एक बार बता दीजिए, अभी टेक्निकल टीम मुझे इन्फॉर्म कर देगी इस बारे में। हम पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते हैं, वी कीप ऑन डिस्कसिंग, क्वेश्चंस आ गए हैं तो आपको मेरी आवाज अब थोड़ा कम सुननी पड़ेगी, राइट। सो सुमन यादव इज ऑल्सो, यार मतलब वॉइस को लेकर थोड़ा डिस्कशन चल रहा है अभी टेक्निकल टीम से, लेट अस कंटिन्यू, जैसे ही वॉइस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, द लार्वे ऑफ लैम्फ्रे, लैम्फ्रे फिश के अगर हम लार्वे की बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, राइट। अब इस टर्म से तुमको एक चीज समझने का है, दैट फिशेस में आपका मेटामॉर्फोसिस होती है। फिशेस में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। फिशेस क्या करती हैं? इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट होता है। फिशेस में क्या होता है? Most of the fishes show indirect development. ठीक है, oviparous in nature होती है। Oviparous. Next term है external fertilization. External fertilization. ठीक है, तो आप लोगों के लिए कुछ important terms यहाँ पर mention किए गए हैं। Let us talk about this term. तो गाइस आज तुम लोग एक काम करो, देखो क्लासेस जरूरी, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वॉइस आप लोग को आज लो लग रहा होगा, बट अभी मैंने बात कर ली टेक्निकल टीम से, आफ्टर योर क्लास द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट, नेक्स्ट क्लास में यू विल नॉट हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम, ओके। अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा वॉल्यूम रेज कर लीजिए, अपने हेडफोन्स जो आपने लगाए थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लीजिए, बस थोड़ा सा लो है, ओके, आई एग्री टू दिस।
अब लार्वे को क्या कहा जाता है? लैम्फ्रेस। लैम्फ्रेस इज अ कैटेगरी ऑफ फिशेस। ये कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट कि फिशेस में जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, विच मीन्स दैट इट हैव टू क्रॉस अ लॉट ऑफ स्टेजेस एंड देन इट विल रीच टू द फाइनल स्टेज ऑफ इट लाइफ, जो आपकी मैच्योर स्टेज होती है। Oviparous are the organisms who lay eggs, जो egg lay करते हैं। External fertilization is the type of fertilization जिसमें female body के inside male and female gametes का fusion नहीं होता है। It is somewhere on different media, that is water. Generally fishes के केस में water वैसे land पर भी। That all depends upon the organism. ठीक है? यहाँ पर दिस इज टू लर्न कि लैम्फ्रे जो फिशेज है उसके लार्वे के लिए वी जस्ट यूज अ स्पेसिफिक वर्ड दैट इज एमोसीट, इसको एमोसीट कहा जाता है। क्लियर? देखा तुम लोग की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है, तो यू हैव टू लाइक द सेशन। ठीक है, हमेशा गिव एंड टेक वाली बात चलती है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, नाउ जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को वो लाइक कर दें। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेज का सेकेंड नेम बता दे, दैट यू हैव अ सेकेंड नेम, आपका भी एक सेकेंड नेम होता है। उसी तरह से कार्टिलेजिनस फिशेज का एक सेकेंड नेम होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द मतलब उसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं जनरली। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, आपका ओस्टियोसाइथिस होता है, कॉन्ड्रोसाइथिस होता है, एकैंथोडियंस होता है, या फिर आपका प्लैकोडर्म्स होता है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी यस। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में FSO, श्रुति अभी देखो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अभी लेट अस नो कि FSO की वैकेंसीज जब रिलीज होंगी, और इसी के साथ साथ सिलेबस इज आल्सो डिफरेंट, हर एक स्टेट के लिए जो FSO का सिलेबस है इज क्वाइट डिफरेंट। तो लेट मी नो कि आपका FSO का सिलेबस क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए, नोटिफिकेशंस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें, हम एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अबाउट इट। क्लासेस अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं एक छोटा सा सेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्म भी करूँगी कि हिमाचल प्रदेश FSO का सिलेबस क्या है। अगर लगेगा कि प्रेजेंट जो क्लासेस अवेलेबल है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, तो आई विल सजेस्ट यू श्रुति। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका कॉन्ड्रियोसाइथिस है। कॉन्ड्रियोसाइथिस जो आपकी फिशेज होती है वो कार्टिलेजिनस फिशेज का ही सेकेंड नेम है। ओके, एकैंथोडियंस, अभी हमारी ये फिशेज एक्सटिंक्ट हो चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, ओस्टियोसाइथिस जो फिशेज है ये आपके बोनी फिशेज होती है, और प्लैकोडर्म्स भी आपके फिशेस का ही टाइप है विच स्टिल एग्जिस्ट। ओके, बी वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला है, प्लैकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन, जनरली फिशेस में हम स्केल्स की बात करते हैं। ठीक है, स्केल्स दो तरह के स्केल्स फिशेस के बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। वन आर द साइक्लोइड स्केल्स, ज्यादातर फिशेस मतलब कॉमनली फाउंड स्केल्स आपके साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, एंड दूसरे हैं आपके प्लैकोइड स्केल्स। दूसरे स्केल्स को हम क्या कहते हैं गाइस? प्लैकोइड स्केल्स कहते हैं। ठीक है, जो कुछ स्पेसिफिक फिशेस में ही फाउंड होते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक फिशेस में ही फाउंड होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्लैकोइड फिशेस, प्लैकोइड स्केल्स कौन से फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए आंसर यस भावना, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए आंसर बताएंगे, एंड साथ में जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, एंड फटाफट से ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो भाई कि आप लोग के फिशरी की फर्स्ट क्लास लाइव हो चुकी है, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। ऑलराइट, राइट गाइस? हाँ, क्लास पवन, लेट मी वर्क ऑन इट ऑल्सो, थोड़ा सा और ज्यादा हिंदी पे फोकस करेंगे।
लेकिन गाइस आप लोगों ने ग्रेजुएशन में ये चीजें मतलब कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ी मतलब सिमिलर ही साउंड करती हैं, और ये आप लोगों ने मतलब इंग्लिश में ही पढ़ा जहां तक मुझे लगता है। फिर भी आई वर्क ऑन इट। ठीक है, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज शार्क। ए है इस क्वेश्चन का आंसर, लैम्फ्रे नहीं है, हर जगह लैम्फ्रे कर दो बस ना। शार्क इस क्वेश्चन का आंसर। साइक्लोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स मतलब बॉडी पर हाफ सर्कल की फॉर्म में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स आपके इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में आपके स्केल्स प्रेजेंट, इस तरह के स्केल्स प्रेजेंट, राइट। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल्स प्रेजेंट ऑन द फिशेस बॉडी। ओके, विच फिश ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेट, इनमें से कौन सी फिश है जो एस्टिवेट करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेट एंड व्हाई फिशेस डू सो, व्हाई दे डू सो, ऐसा रीजन क्या है? बेसिकली फिशेस जो होती है ना गाइस, आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में काउंटेड होती है, एंड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को ही हम पोई किलो थर्म्स भी कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं रखते हैं विद द एनवायरमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये समर स्लीप, विंटर स्लीप, समर एस्केप, विंटर एस्केप जैसे फिनोमिना को फॉलो करते हैं, राइट। तो एस्टिवेशन इज अ वर्ड यूज फॉर द समर स्लीप, जो ऑर्गेनिज्म समर टाइम में सोने के लिए चले जाते हैं सो दैट ये उस तरह की गर्मी को अवॉइड कर सके, दैट इज द एस्टिवेशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वी हैव एन हैबिट और वी शुड हैव एन हैबिट ऑफ दिस, कि हमको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है, मींस टू से अगर हमको किसी की बात से अच्छा नहीं लग रहा है, एंड वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, जस्ट अगर वो आपको इम्प्लीमेंट करने से जीवन में कोई फायदा हो सकता है तो जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, इफ नॉट जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट। ठीक है, ऐसी बातों को लेकर जस्ट से गो टू हेड, राइट। इनमें से कौन सी फिशेज जो है वो एस्टिवेट करती है? दैट इज योर लेपिडोसाइरन। लेपिडोसाइरन जो फिशेज होती है वो क्या करती है गाइस? एस्टिवेट करती है। ओके, तो इज इट क्लियर? हाँ, ओके गाइस, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज लेपिडोसाइरन। इस क्वेश्चन के लिए लेपिडोसाइरन आप क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, सम प्लास्मोग्रांस हैव मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स फॉर कॉपुलेशन, राइट। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, फिशेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट कैन बी देयर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर, ये इनका आइडेंटिफिकेशन फीचर हो सकता है। तो वन शुड नो अबाउट द different kind of fins present in the fishes, first thing, and second thing कि कौन से fishes paired fins है और कौन से fish fins आपके unpaired fins में counted होते हैं। ठीक है, तो कुछ plasmobranch जो होते हैं इनमें, इनके जो pelvic fins present होते हैं, यानी कि जिनको आप anal fins भी कहते हो, जो pelvic region में present होते हैं, पीछे की तरफ present होते हैं, इन्होंने अपने आप को modified कर लिया for the purpose of copulation। What do you mean by copulation guys? Copulation का मतलब होता है male and female का mating। ठीक है, तो जो ये organism होते हैं ना, ज्यादातर आपके reptiles हो गए, amphibians हो गए, pieces के अंदर जैसे आपके fishes हो गए, ये मतलब opposite sex के organism को attract करने के लिए they just show some different features। ठीक है, थोड़ा ही थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स की हेल्प से, ताकि जो मेल है फीमेल है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इलास्मो ब्रांच ने अपने पेल्विक फिन्स को मॉडिफाइड किया होता है इन सर्टेन ऑप्शन जो यहाँ पे मेंशन किए गए, यू हैव टू टेल वो किस फॉर्म में, क्लास्पर्स की फॉर्म में, क्रोका की फॉर्म में, पेनिस की फॉर्म में, या फिर नन ऑफ द अबव। 15th का क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्लास्पर है। जो आप क्लोका क्वेश्चन का आंसर मार्क कर रहे हैं, दिस इज फॉर फ्रॉग, भावना ये आपका फ्रॉग के लिए होता है, एंड क्लोका इज एन ओपनिंग, ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जो कि इनको
रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रॉग और द रेप्टाइल मेंबर. जब आप रेप्टाइल क्लास के मेंबर्स की बात करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर रिप्रोडक्शन, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, एंड दैट इज फॉर देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, तो दिस इज द टर्म. क्लोका के बारे में बात हो गई है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, इज इट ओके? तो क्लास पर है, क्लोका के बारे में आपने समझ लिया है. वहीं पर पेनिस के अंदर मार्केट इज प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल के अंदर जो आउटर और वी कैन से एक्सटर्नल यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग, यूरिन पास करने के लिए एंड स्पर्म रिलीज करने के लिए जो कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है इन द मेल ह्यूमन में, दैट इज पेनिस. ओके, अगला क्वेश्चन है, लार्ज रोस्ट्रम इज फाउंड इन, इनमें से कौन से फिशेस के अंदर रोस्ट्रम फाउंड होता है? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रोस्ट्रम आपका इनमें से कौन से फिशेस के अंदर फाउंड होता है? ठीक है, व्हाट इज द रोस्ट्रम? रोस्ट्रम को जनरली अगर हम डिफाइन करें तो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है. ठीक है, जस्ट जैसे कि हमारे स्कूल में पोडियम होता है, जैसे कि कुछ टीचर्स छोटे होते हैं तो उस पे खड़े होके अपना पूरा लेक्चर इसके, तो एक प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ होता है. आपको बताना है कौन से फिशेज में एक प्लेटफॉर्म, बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ प्रेजेंट होता है. इज इट इन लैम्प्रेस, इज इट इन शार्क्स, और इज इट इन योर काइमेरास और पैडल फिशेज? ठीक है, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज योर पैडल फिशेज. तो रोस्ट्रम जो है वो आपके पैडल फिशेज में प्रेजेंट. क्लियर, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, इनमें से कौन सी फिश है जो कि आपके सी वाटर में नहीं पाए जाते? मींस टू से इट इज अ प्योरली इनलैंड फिश, और आप कहेंगे इट इज अ प्योरली फ्रेश वाटर फिश, ये आपके फ्रेश वाटर फिश है. द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, इज इट शार्क, कटला, मैकरल और सार्डीन? अच्छा, यहाँ से पता है एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं, सिल्वर ग्रास कार्प. ठीक है, सिल्वर ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम क्या होता है? दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन IBPS AF एग्जाम, IBPS AF जो अभी हुआ है, राइट? तो मैंने अपने बैचेस की क्लासेस में जितने भी इम्पोर्टेंट फिश स्पीशीज हैं सबके बारे में विद देयर नेम, साइंटिफिक नेम, देयर फीचर्स, किस तरह के वाटर बॉडी में वो फाउंड होती है, वो सब कराया था. इवन यूट्यूब पर भी वंस आई हैड टेकन अ लेक्चर ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिश, राइट? तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप अपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को तभी क्लियर कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली क्लासेस में रहे हैं या फिर आपने बैचेस में एनरोल किया है. तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप बैचेस में एनरोल हो जाएंगे ताकि आपका सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है. अभी सम ऑफ यू आर मार्किंग सेवंथ क्वेश्चन के लिए सी आंसर. मैकरल क्या होती है? वो सी वाटर फिश होता है. कटला यार, रोहू, कटला, और ये आपकी फ्रेश वाटर फिशेज होती है ना. हाँ, YouTube पे भी कराए थे मैंने, उसमें था ग्रास कार्प भी, मतलब मुझे ध्यान नहीं है इसलिए मैं उस चीज को लेकर ना मतलब 100% नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, हाँ हरीश, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग के समय तुम्हारा गुड आफ्टरनून. हाँ भाई, ये चल रहा है जीवन में. चलो, कटला इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि कटला जो फिशेज होती है ना वो सिर्फ फ्रेश वाटर में फाउंड होती है. कहने के बाद तुम लोग ऐसे सफा चेक करते हो मैसेजेस को, जैसे मैम ने देखा ही ना, टेंट बनते हो तुमका. एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरीन फिश, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सी मैरीन फिश नहीं. बस ये तुम्हारे फिरकी लेने के लिए क्वेश्चन है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द आंसर, जस्ट टेल व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. इनमें से कौन सी आपकी एक मैरीन फिश नहीं है, मीन्स यू हैव टू टेल इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर. अब पता है सिर्फ एग्जामिनर तुम्हारे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा स्विच कर देता है. हाँ ठीक है, अच्छा तुमने लिखा है इसको, लिखा था, ओके विशु, दैट्स गुड, पेपर में सही किया है तुमने, अभी बताओ अगली बात बताओ. सो गाइस देखो, क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है. यहाँ पे बोल दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, तो हमने कटला लिखा. अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मरीन फिश, थोड़ा सा डिफरेंट है ना क्वेश्चन. द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 इज, भावना आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू. कुलदीप, विशु, जल्दी से बताओ फटाफट, एक बार मैं देख लेती हूँ. हाँ बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बॉम्बे डक,
ये आपके एग्जॉटिक है, ठीक है, एग्जॉटिक है, बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं कंज्यूम करना। पॉम्फ्रेट एग्जॉटिक फिश है, बाहर देश से आई है। कहते कहते गलत, अजय, बॉम्बे इज नॉट अ मरीन फिश, बॉम्बे इज अ मरीन फिश, लेबियो रोंटा। अभी तुम लिख ही रहे हो फिर भी गलत कर दिया। तुमसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा है फ्रेश फिश बताओ, और वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट, मतलब टेस्टी है ये फिश। और टेलियोस ज्यादातर आपके लेबियो, रोही, साइप्रिनस, रोहू, साइप्रिनस, मृगल, ये सब आपके टेलियोस्ट के अंदर आते हैं। इट इज एन ऑर्डर ऑफ द फिश। फ्रेश वाटर यानी कि इट इज एन एडिबल है, कैन बी कंज्यूम्ड, इट टेस्ट अच्छा है, जल्दी कंज्यूम, अच्छे से कंज्यूम किया जाता है। यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द एडिबल फ्रेश वाटर टेलियोस्ट। ऑप्शंस आर कटला कटला, हिल्सा एलेसा, राक्स रेज एंड स्केट्स, और नेक्स्ट आपका शार्क है, ठीक है। हाँ भावना, 8th क्वेश्चन के लिए बच्चा, आंसर मैकरल नहीं है। इंडियन मैकरल आपका फ्रेश वाटर में फाउंड नहीं होता है। अगर आप मेरे बैच की क्लास के स्टूडेंट्स होते, जब मैंने इम्पोर्टेंट फिश फिशेस 36 पेजेस पीडीएफ में समझाया था, वहां पर हर एक स्पीशीज कैटेगरी वाइज साइंटिफिक नेम लिखा था, मैकरल के आगे हमने लिखा था इतना आपका सी वाटर और मेरीन वाटर फिश, ठीक है। और 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन के लिए आंसर आपका कैटला है। इवन दो हिल्सा एंड कैटला कम अंडर सेम कैटेगरी, लेकिन खाने योग्य, स्वादिष्ट, अत्यधिक स्वादिष्ट आपकी कटला फिश हो, राइट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, इनमें से इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मरीन फिश कौन सी। नाउ एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल सही, बिकॉज अब आपको आइडिया है कि हाउ टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कटला है, द राइट आंसर इज हिल्सा, ठीक है। हिल्सा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मरीन फिश, कभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने हिल्सा नहीं लिया। रे एंड स्केट्स बहुत इजीली आपने इसको एलिमिनेट करके सॉल्व किया। हाँ अच्छा, वेरी गुड भावना, इट इज इम्पोर्टेंट, अब तुम ना रियलाइज कर पाओगे। अच्छा जिनके लिए आज ये फर्स्ट क्लास है ना गाइस, मतलब ट्रस्ट मी, तुम लास्ट तक मेरी क्लास देखना फॉर दिस न्यू सेशन, और मुझे बताना कि कब क्वेश्चन रिपीट, मतलब आई विल रिपीट द क्वेश्चन आफ्टर 3-4 मंथ्स, ताकि वो रिवीजन हो। जैसे कि आई जस्ट नो द नेम, अध्याय इज अ स्टूडेंट ऑफ मेरी, स्टूडेंट है इन बैचेस के क्लास में, अध्याय मेरी एक स्टूडेंट है, एंड शी इज लाइक, अगर मैंने कोई क्वेश्चन रिपीट किया होता था ना, शी वुड लाइक, मैम ये आपने 24 दिसंबर को कराया था, शी हैड प्रिपेयर्ड नोट इन दैट, समझ रहे हो। तो आई जस्ट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ, मतलब उससे भी इसी प्रकार का मुझे रिएक्शन चाहिए, दैट यू जस्ट से कि मैम ये क्वेश्चन उस दिन रिपीट हो गया था, प्लीज डू नॉट डू दिस, ताकि मैं बहुत ज्यादा अवेयर रहूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कभी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेगी। एससी एजी 7 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जल्दी ये एग्जाम भी आ जाएगा। ओके आज वैसे काफी बातें हो गई हैं, इतनी बातें नहीं करती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग से इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, में से इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मरीन फिश, इनमें से कौन सी आपकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मरीन। So here the question is, which one of the following is an economically important marine fish? The right answer for the question is marine fish बताने economically important, ठीक है। तो accordingly आप question का answer करेंगे, it is हिल्सा। हिल्सा क्या है, आपकी marine fish है, तो economically important because it cost reasonable, right। अगला question है, which is purely a capture type of, so they are different kind of fishery।
आपको बताना है इनमें से कौन सी आपकी प्योरली कैप्चर टाइप ऑफ फिशरी है. ऑप्शंस आर मरीन फिशरी, सेकंड इज इनलैंड फिशरी, थर्ड इज कल्चर फिशरी एंड द फोर्थ वन इज आपका एक्वा कल्चर. हाँ, हिल्सा विल बी द राइट आंसर. वेरी गुड. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा गाइस, इनमें से प्योरली कैप्चर. देखो कैप्चर और कैप्टिव में द डिफरेंस इज कि आप जो वाटर बॉडी है जिसमें आप फिशेस को रेस कर रहे हैं वो आपकी लार्ज है या फिर स्मॉल है. ऑन दैट बेसिस आप कैप्चर और कैप्टिव, इन दो कैप्चर और कल्चर, इन दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हो. कल्चर ऑन अ लार्ज वाटर बॉडी एंड कैप्चर ऑन अ स्मॉल वाटर बॉडी. ठीक है, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ये आपके प्योरली टाइप है मैरीन फिशरी. यस, ए वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. कॉड लीवर ऑयल इज रिच. कॉड लीवर ऑयल में सबसे ज्यादा आपका क्या प्रेजेंट होता है. बेसिकली फिश कम्स अंडर आर मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइट के लिए हमें इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक आपका कॉड लीवर ऑयल. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉड इज अ टाइप ऑफ फिश, लीवर इज एन ऑर्गन. इससे जो आपको ऑयल ऑब्टेन होता है दैट ऑयल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स, आपका लिपिड्स की कैटेगरी में आता है. बेसिकली कॉड लीवर ऑयल इज रिच इन, सबसे ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होता है. यस, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन विशु, शाबाश. 12th क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, विटामिन ए एंड डी. ठीक है हरीश, डी नहीं, विटामिन ए एंड डी, डी इज ऑब्टेन फ्रॉम इट. ठीक है, हाँ नहीं, ए नहीं होगा, बी. देखो ए इज अ राइट, या ए इज अ राइट, ए इज कॉमन इन ऑल, डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है. दिस इज अ राइट आंसर. ठीक है, यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड पार्ट जो यहाँ पर मेंशन. ओके, अगला क्वेश्चन है क्रस्टेशियन फिशरीज कनेक्टेड विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रस्टेशियन. जनरली फिशरी को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, तीन में अगर यहाँ पर हम बात करें. वन इज द फिन फिशरी जिसमें आपके ट्रू फिशेज आती हैं, सेकेंड इज द शेल फिशरी जिसमें आपके मोलस्का आते हैं, एंड थर्ड इज द क्रस्टेशियन फिशरी. ठीक है, वैसे ये दोनों सब टाइप है शेल फिशरी के. क्रस्टेशियन फिश जिसमें आपके क्रस्टेशियंस आते हैं, एंड क्रस्टेशियंस कम अंडर द फाइलम अर्थपोडा ऑफ एनिमल किंगडम, या आपके अर्थपोडा फाइलम के अंदर आते हैं ऑफ द एनिमल किंगडम. तो आपसे पूछा है कि क्रस्टेशियन फिशरी आपका किसके एक्सप्लॉयटेशन के साथ कनेक्टेड है. वही है, मेरे को पता था तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताओगे. वंस आई हैड गिवन यू द रॉन्ग आंसर, गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ठीक है, लॉबस्टर और प्रॉन्स तुम्हें बता, इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा. लॉबस्टर्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, तो मैंने हिंट दे दिया है, अब बताओ लॉबस्टर्स क्या होते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. लॉबस्टर कौन से फाइलम में आते हैं? यस, लॉबस्टर्स, एक सेकंड यार, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स. तो लॉबस्टर्स एंड प्रॉन्स आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, एंड दीज टू कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, डी है मैरीन क्रस्टेशियंस आंसर. आपका भावना ठीक नहीं है. शेल्स अभी तो बताया मैंने आपको, शेल्स कम अंडर मोलस्का. ठीक है, तो और सारे कॉम्बिनेशन जो है वो आपके सही नहीं है. डी वुड बी द राइट आंसर, लॉबस्टर एंड प्रॉन. ठीक है, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ये आंसर विशु का ही सही है, मुजल्स एंड स्क्विड्स ने. अच्छा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है. हरीश, ये बेसिक से ही शुरू है बच्चा, आज से आपकी बेसिक से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही है. जस्ट टू नो कि मेरे कितने स्टूडेंट्स अभी फैमिलियर हैं, उसके अकॉर्डिंग आज मैंने इम्पोर्टेंट फिश स्पीशीज और इम्पोर्टेंट टर्म्स वाले क्वेश्चंस लिए, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं. ठीक है, अब इसके अलावा आगे वाली क्लासेस में हम और ज्यादा बेसिक से करेंगे. आज आपके क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हैं, इनलैंड फिशरी,
मैरीन फिशरी के क्वेश्चन थे जो बहुत ही बेसिक रहते हैं, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ फिशेस इन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड पॉन्ड, अगर आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड पॉन्ड्स में और वाटर बॉडीज में फिशेस का कल्टिवेशन कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? इज इट एक्वा कल्चर, इज इट पीसी कल्चर, इट इज वर्मी कल्चर, इट इज एग्रीकल्चर? यस, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज पीसी कल्चर। एक्वा कल्चर को स्टूडेंट्स सोचेंगे, प्लीज एक्वा कल्चर नहीं मार्क करना है बिकॉज एक्वा कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और इस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेज ओनली, तो फिशेज के लिए आप पीसी कल्चर मार्क करेंगे। वर्मी कल्चर इज फॉर द अर्थ वॉर्म्स, ये आपका अर्थ वॉर्म्स का कल्चर और कल्टिवेशन वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर कहलाया जाता है। एग्रीकल्चर इज फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जो कल्टिवेशन है दैट इज योर एग्रीकल्चर, राइट। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग ऑफ फिशेज बाय लोवरिंग टेम्परेचर। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन टुडे, कल से थोड़ा सा और एडवांस्ड पोर्शन पर हम स्विच करेंगे। द क्वेश्चन इज ड्राइंग ऑफ फिशेज बाय लोवरिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को लो करके फिशेज को ड्राई कर रहे हो तो व्हाट इट इज स्मोकिंग, इट इज फ्रीज ड्राइंग, सॉल्टिंग या फिर चिलिंग? यस, वेरी गुड, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका फ्रीज ड्राइंग होगा एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीज। लोअर कर रहे हो आप, टेम्परेचर को कम करो, दैट मीन्स आप फ्रीज करो, ड्राइंग। दिस इज अ मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन जिसको आप फ्रीज ड्राइंग बोलते हो, ठीक है। यस, पीसी कल्चर वुड बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। मनीषा, शलोनी, सुमन, सी नहीं होगा। सॉल्टिंग का मतलब नमक छिड़कना, ठीक है, मछलियों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना ताकि आप उसको प्रिजर्व कर सके। प्लीज मैं थोड़ा सा फनी करके चीजों को याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, तुम लोग गलत बता रहे हो यार, कितना मतलब करोगे ना, बहुत दुख है वैसे जीवन में। फिश फ्लोर इज रिच इन, ठीक है, अपने फिशेस को फीड करने के लिए वी जस्ट प्रिपेयर द फिश फ्लोर, यू हैव टू टेल उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है फिश इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय फॉरेनर, अभी बताया था एग्जॉटिक है ये, ठीक है। हमारे यहाँ एक पता है क्या प्रचलन है, हमारे यहाँ एक प्रथा है, ठीक है, इंडियन और मतलब हमारा जो नेटिव है ना वो मतलब इतना पहुंच जाए तब भी तुम उसको तारीफ नहीं करोगे। एग्जॉटिक हल्का से कोई बाहर से आए, वही चॉकलेट्स, वही कैंडीज, यार सऊदी अरेबिया से आए, यार ये यहाँ से आए, अब तो तुम अभी इसको गलत सेंस में मत लेकर जाना, ठीक है, ये एग्जॉटिक है। US, मेरा फ्रेंड गया था, वहां से आए, ड्रिंक्स को लेकर स्पेशली लोगों के ये कुछ व्यूज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी फिश आपके फॉरेनर्स लेकर गए थे इंडिया में एंड इसकी अब इकोनॉमिक वैल्यू काफी अच्छी है। हाँ यस, आपने सही बताया भाई, मिस्टर सिंघाला, हाँ आपसे पूछा है शलोनी इस क्वेश्चन के लिए। एग्जॉटिक बेटा ये दोनों इंडिया की है, क्लैरियस भी इंडिया की, पॉम्फ्रेट नहीं है इंडिया की, बॉम्बे पॉम्फ्रेट, भूल गए क्या, बॉम्बे पॉम्फ्रेट, ठीक है, ये बाहर से आई थी, बहुत ही मतलब मस्त लगती है ये फिश देखने में। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड टू डिफाइन इट, बहुत ही ज्यादा सुंदर है इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इस फिश का, राइट, एंड इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे किसी दिन और ज्यादा डेप्थ में। ठीक है, कोई गल नहीं बेटा, कोई गल नहीं। फिश रियर्ड इन कल्चर फिशरी इन इंडिया, बेसिकली कल्चर फिशरी कौन सी होती है यार, जिसको आप लार्ज वाटर बॉडीज में अच्छे से कल्चर कर रहे हो, दैट इज रोहू एंड कटला। क्यों? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हम लार्ज वाटर बॉडीज में इनको कल्चर करते हैं ताकि हमें लार्ज अमाउंट में इसको मिल सके, ताकि जो लोग इस पर डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने, उनको भी पैसा मिल सके, अपना परिवार चला सके, जरूरत को पूरा कर सके, ठीक है। 19, okay guys, I think this is enough questions for today. And इसके अलावा ये जो terms हैं, I will discuss about these terms. पहले ये देख लो, pinfish मैंने बता दिया है, shellfishes मैंने बता दिया है, और the remaining or the rest of the things will be discussed in our tomorrow's, I mean next lecture जब भी आपका होगा, right?
आई थिंक ज्यादा स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत बेसिक सी चीजें बताई हैं मैंने, बिल्कुल भी अपनी एक लाइन क्रॉस नहीं करी है। ज्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करेंगे तो आई वो जस्ट वेरी बेसिक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ हार्ड लगा हो तो यार तुमको क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, समझना है कि फिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज क्लास के बाद जब आपके पास कमेंट बॉक्स हो वहां पे आप कुछ तो रिमार्क दीजिएगा, अच्छा बुरा आई नॉट माइंड, मैं हर एक चीज को मतलब फॉलो करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपका 14th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज एनरोल कर लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी विद अस विद आवर टीम। और इस बैच में एनरोल करने के लिए आप Y3441 कोड अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। फॉर लास्ट में यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब किया। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव